गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। फर्स्ट, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो 1.2 एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बच्चों, हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो रियल नंबर हैं, ये टू पार्ट में डिवाइडेड, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर और इरेशनल नंबर। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल ट्रू है। आप देख सकते हैं यहां पर कि इरेशनल रियल का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका ट्रू। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड नंबर है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज नेचुरल नंबर। कह रहे नंबर लाइन पे जो भी हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं वो सारे रूट एम है। तो सेकंड नंबर देखेंगे बच्चों, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे जीरो है, वन है, टू है। तो ये सारे के सारे क्या रूट एम के फॉर्म में है? आपसे पूछा गया है क्या ये रूट एम के फॉर्म में है, तो ये क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि वन को तो हम रूट वन लिख सकते हैं, फोर को भी रूट टू को रूट फोर लिख सकते हैं, लेकिन रूट फोर मतलब टू। और बच्चों, यहां पर माइनस वन होगा, माइनस टू होगा, ये तो नहीं कवर हो पाएंगे यहां पर, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर हर एक क्या इरेशनल है? नहीं, रियल नंबर कुछ रेशनल भी तो है, तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी फॉल्स। यहां से क्लियर है, इरेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि कुछ रियल नंबर रेशनल नंबर भी हैं, तो ये कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। देखिए सेकंड है, क्वेश्चन नंबर टू, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी स्क्वायर रूट इरेशनल हैं इंटीजर के? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर टू, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नो। क्यों? क्योंकि जो रूट फोर है इसकी वैल्यू होगी टू, और टू एक रेशनल नंबर है, जबकि इसमें बोला गया है इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, शो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट फाइव को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, आपको रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बेटा एक चीज ध्यान दें, रूट फाइव को आप लिख सकते हो
फोर प्लस वन, ठीक है। तो यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों रूट फाइव को आप रूट फोर प्लस वन लिख सकते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं ध्यान से समझिएगा। एक लाइन हमने ड्रॉ की और यहां पे इंडिकेट किया हमने जीरो। देखिए फोर प्लस वन है तो फोर, तो यहां पर हम लोग टू पे पॉइंट लेंगे एक, ये वन है ये टू है, तो यहां पर जीरो वन टू, वन पे आप 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये लाइन ड्रॉ की, यहां पे 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे आप, वन सेंटीमीटर, ये पॉइंट ओ है, ये आपने ए पॉइंट ले लिया, ये बी है, इसको आपने ज्वाइन करा दिया। इसको ज्वाइन करा दिया बच्चों, ये वन है और ये लेंथ है टू। अब यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल ओ ए बी पाइथागोरस थ्योरम होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है बच्चों। ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल ओ ए, ये टू है टू का स्क्वायर, और ए बी आपका वन है वन का स्क्वायर। तो बेटा ओ बी स्क्वायर हो जाएगा फोर प्लस वन फाइव, तो ओ बी हो जाएगा स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा अंडर रूट फाइव, ठीक है। तो ये आपका अंडर रूट फाइव है, ये जो लेंथ आप ओ बी देख रहे हो ये रूट फाइव की लेंथ है, इसे हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे इस लेंथ को नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करेंगे, ये यहां पे आप ये आर्क लेंगे रूट फाइव सेंटीमीटर है ये, और इस तरह से आर्क लगाएंगे यहां पर, ठीक है। ये पॉइंट आपको मिल गया है यहां पर सी सी। तो बेटा ये जो ओ सी है ये आपका है रूट फाइव यूनिट्स, ठीक है। तो बेटा ये हो गया नंबर लाइन पे ओ ए जो कि ओ बी के इक्वल है रूट फाइव यूनिट्स। तो नंबर लाइन पे रूट फाइव को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। अब बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर।
क्वेश्चन नंबर फोर एक एक्टिविटी है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा गया है क्लासरूम एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल आपको फॉर्म करना है, यानी वन से स्टार्ट करेंगे और इसको ड्रॉ करते जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये एक एक्टिविटी है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो बच्चों यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उसी तरह से, ये जीरो है, ओ पॉइंट, वन टू माइनस वन, तो यहां पर 90 डिग्री लेंगे आप। वन सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये वन सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। इसको हमने वन ले लिया, यहाँ पे एज्यूम कर लिया, टू को हम वन मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए ताकि ये थोड़ा बड़ा डायग्राम आप देख पाए, यहाँ पर वन टू को हमने वन मान लिया, तो फोर हो जाएगा आपका टू, ठीक है। यहां पर भी वन सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये वन है और ये भी वन है, इसको ज्वाइन करा देंगे, ओ ए बी। आपको यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल ओ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ओ ए आपका वन स्क्वायर है, ए बी वन स्क्वायर है, ये टू हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल रूट टू। नंबर लाइन पे वन तो आपने दिखा दिया सिंपली, और ये आपका ओ बी कितना हुआ, रूट टू। रूट टू ये है, इसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, तो यहां पे आर्क लेंगे और इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, ये जो आप पॉइंट सी देख रहे हैं, ओ सी ये आपका ओ बी के इक्वल होगा रूट टू यूनिट्स। अब रूट थ्री ड्रॉ करना, देखिए वन ड्रॉ कर लिया आपने, टू को ड्रॉ कर लिया, अब हम लोग रूट थ्री ड्रॉ करेंगे। तो रूट थ्री के लिए क्या करेंगे, यहां पर 90 डिग्री पे फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे वन सेंटीमीटर की, यहां पर आपने वन सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ये आपका वन है, सी इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, यहां पर ओ से डी को ज्वाइन कराएंगे,
अब बच्चों यहाँ पर ये राइट एंगल था, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी डी, ओ बी डी, इन ट्रायंगल ओ बी डी। देखिए ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बच्चों एक रूट टू है, एक वन है, ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे रूट टू का स्क्वायर और वन का स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा फोर प्लस वन, तो ओ डी कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो हो जाएगा रूट फाइव यूनिट्स, ठीक है। आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे रूट फाइव को, ये रूट फाइव आपको मिल चुका है, ये वैल्यू रूट फाइव है, तो यहाँ पे आप ये आर्क लेंगे, ये आर्क लेंगे और यहाँ लगाएंगे, डी ई, तो जितना ओ डी होगा, ये रेडियस होगी सर्कल की, उतना ओ ई होगा, देयरफोर ओ ई इज इक्वल, ओ डी इज इक्वल रूट फाइव यूनिट्स। तो बच्चों आप रूट फाइव को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर थ्री में भी आपने देखा था रूट फाइव को ड्रॉ करना। अब इसके बाद आप रूट, देखिए वन, वन के बाद रूट टू, रूट फाइव, इसके बाद आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से आपको स्पाइरल मिल जाएगा। तो बच्चे ये बच्चा एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी बच्चों, और 1.2 एक्सरसाइज और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए इन वीडियोज को बार बार देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।